जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं लेकर आया हूँ डिफेंस एग्जाम के अंदर आने वाले जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार डिफेंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगर आप भी किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। अगर आप नए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, धूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। ठीक है, तो धूमर लोक नृत्य का जो संबंध है वो किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि भारत के चारों कोनों में चार मठ किसने स्थापित किए थे? ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2021 के अंदर आर्मी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य या फिर निम्बकाचार्य। ठीक है, तो इनमें से भारत के चारों कोनों में चार मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा, शंकराचार्य द्वारा। अगला क्वेश्चन अपना, मिलिंद पिन्हो क्या है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बोध स्थल, कला का बोध नमूना, बुद्ध का एक नाम या फिर बोध पाठ। ठीक है, तो इन चारों में से मिलिंद पिन्हो क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा, ये एक बोध पाठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? चार ऑप्शन दे रखे हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म। ठीक है, तो इनमें से चोल राजाओं द्वारा किस धर्म को संरक्षण प्रदान था? तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा, शैव धर्म को। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, शिव पुराण, महाभारत, भगवद गीता या फिर रामायण। ठीक है, तो इनमें से किस ग्रंथ को पांचवा वेद? ठीक है, चार वेद कौन कौन से हैं, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये चार वेद है, इसके अलावा जो पांचवा वेद है वो किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा, महाभारत को, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि किस राज्य में उगादि त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, छत्तीसगढ़, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर कर्नाटक। ठीक है, तो इन चारों स्टेट में से किस स्टेट के अंदर उगादि त्यौहार मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन अपना, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, 12 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 6 वर्ष। ठीक है, तो देखो कुंभ का आयोजन हर 4 वर्षों में एक बार होता है, लेकिन जो महाकुंभ होता है उसका आयोजन हर 12 वर्षों में एक बार होता है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, कर्नाटक, गोवा, केरल या फिर मणिपुर। ठीक है, इनमें से किस राज्य के अंदर लाई हरोबा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा, मणिपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनमें से किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बिहू, ओणम, पोंगल या फिर नवरात्रि। ठीक है, तो इनमें से कौन से किस फेस्टिवल के अवसर पर नौका दौड़ का आयोजन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा, ओणम। अगला क्वेश्चन अपना, कंबाला कही जाने वाली वार्षिक बेसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, केरल, कर्नाटक, पंजाब या फिर ओडिशा। ठीक है, तो इनमें से कंपाला बेसा दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा, कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सप्तरत मंदिर कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, महाबलीपुरम, कांचीपुरम, मदुरे या फिर पुरी। ठीक है, तो इनमें से सप्तरत मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा, महाबलीपुरम में। ठीक है, जबकि मदुरे के अंदर मीनाक्षी मंदिर है और पूरी उड़ीसा के अंदर जो सूर्य मंदिर है, भारत का जो सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है वो पूरी उड़ीसा के अंदर है। अगला क्वेश्चन अपना, स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, द्वारिका, पुरी, मथुरा या फिर गांधीनगर। ठीक है, जिसको अक्षरधाम मंदिर भी कहा जाता है, ये किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा, गांधीनगर, गुजरात के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, मुहर्रम, ईद उल फितर, ईद उल जुहा या फिर ईद उल
मिलादुलनबी, ठीक है। तो इनमें से पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा त्यौहार मनाया, कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा, ईद उल मिलादुलनबी। अगला क्वेश्चन अपना कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? चार ऑप्शन दे रखे हैं, शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश या फिर कौशल वंश, ठीक है। तो इनमें से गौतम बुद्ध की माता का जो संबंध है वो किस वंश से था? ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा, कौशल वंश से, ठीक है। या फिर सवाल उल्टा भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन कौशल वंश से संबंधित थे, तो फिर इसका आंसर होगा गौतम बुद्ध, क्योंकि इनकी माँ इस वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि ईसा मसीह का जन्म स्थल है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बेथलहम, मैसेडोनिया, बगदाद या फिर मक्का, ठीक है। तो इनमें से ईसा मसीह जो ईसाई धर्म के जो प्रमुख कहे जाते हैं उनका जो जन्म स्थल है वो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा, बेथलहम इज़राइल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, अग्नि मंदिर, सिनेगॉग, मजार या फिर चर्च, ठीक है। तो इनमें से यहूदी धर्म का जो पूजा स्थल है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा, सिनेगॉग, क्या फिर इसको बोलते हैं साइनोगॉगी, ठीक है। दोनों ऑप्शन राइट है, ठीक है। जबकि अग्नि मंदिर ये पारसी जो धर्म होता है उनका पूजा स्थल है, जबकि चर्च ईसाइयों का पूजा स्थल है। अगला क्वेश्चन अपना लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार, ठीक है। तो इनमें से मधुबनी शैली का जो संबंध है वो किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा, बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? चार ऑप्शन दे रखे हैं, मूर्तिकार, चित्रकार, संगीतकार या फिर नृत्यांगना, ठीक है। तो इनमें से अमृता शेरगिल का जो संबंध है वो किससे हैं? ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा, चित्रकार, ये एक चित्रकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जेमिनी रॉय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? चार ऑप्शन दे रखे हैं, मूर्तिकला, संगीत, चित्रकला या फिर नाट्यकला, ठीक है। तो इनमें से जेमिनी रॉय का जो संबंध है वो किस कला से है? तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा, चित्रकला से, ये भी एक पेंटर थी। अगला क्वेश्चन अपना कि सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, तानसेन, आमिर खुसरो, गुलाम अली खान या फिर बेजू बाबड़ा, ठीक है। तो इनमें से किसको सितार का जनक कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा, आमिर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, चंडीगढ़, बेंगलोर, श्रीनगर या फिर नई दिल्ली, ठीक है। तो इनमें से पिंजौर गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा, चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना महाबलीपुरम के पांच रथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? चार ऑप्शन दे रखे हैं, चोल, चेर, सातवाहन या फिर पल्लव, ठीक है। तो इनमें से महाबलीपुरम के जो पांच रथ मंदिर है उनका जो निर्माण है वो पल्लव राजाओं ने करवाया था, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना सालारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, पटना, लखनऊ, हैदराबाद या फिर नई दिल्ली, ठीक है। तो इनमें से सालारजंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन अपना अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर असम, ठीक है। तो इनमें से अमरनाथ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर में, जबकि केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन अपना बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इन चारों राज्यों में से बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ धाम, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, रोमटेक, के हेमेश या फिर ताबो, ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध मठों में से एक है और सिक्किम में जो है वो कौन सा है? रोमटेक मठ, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, भोपाल, भुवनेश्वर, कोलकाता या फिर उज्जैन, ठीक है। तो इनमें से लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा, भुवनेश्वर, ठीक है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है।
और लास्ट क्वेश्चन है अपना कि कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, मेघालय, मणिपुर, बिहार और असम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे कि कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नए हो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते किसी एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।